हेलो जी, राम राम भाई सारा ने स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। जी को नाम है पूजा परमजीत पुनिया। क्या हूँ थी सर आज ना, मैं उम्मीद करूँ कि अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तभी तो मेरे वीडियो देख जाओगा। और मेरी तो शक्लों ही थाना पता चल रहे होगा कि कंडीशन ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा। जब इंसुलिन लेना स्टार्ट करें ही मेरे सर को दर्द कौन जा रहे हो, और मतलब चक्कर आवे मैंने बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह ज़्यादा कंडीशन ख़राब रही, सुबह एक बार इंसुलिन ले लूँ भी के बाद में 2 घंटा बाद में ना मैंने पूरी बॉडी में इतनी भयंकर कंप कंप ही छूट जाए यार। फिर बाद में सर दर्द हो लग जाए, पिछू गर्दन दर्द कर लग जाए, फिर नींद होने और दिन में आवे को रात में। आज 3 दिन हो गया सिचुएशन में, क्योंकि परसों के दिन लेके आया मैं इंसुलिन। फिर परसों तो जैसे इंसुलिन लेने गया तब डॉक्टर कन गया, कल फिर डॉक्टर कन गया कि कल भी मेरी हालत ख़राब हो गई। आज फिर वही सिचुएशन सेम आज फिर होगी, तो आज फिर डॉक्टर कन गया और परेशान हो रही हूँ तो बहुत ज़्यादा। ना ही बोलने को मन करे, ना ही ब्लॉग बनाने को, ना ही लाइव आने को, क्योंकि सर में दर्द हुआ ना, जब आदमी कुछ भी कौन कर सके। और फिर नींद आ जाए तो नींद पूरी तो हो जाए, मैं नींद को नहीं आवा, सिर दर्द हो गया। मेरा आ कंडीशन मेरी पहली भी, मेरे सिर दर्द होता मैं नींद को नहीं आती, मेरे पीछे नशा में खिंचाव आ जाए। तो पहले दिन जब दर्द हुआ ना 20 दिन, तो मैं सोचो कि इंसुलिन लेने का था, मतलब जो बात करिए ना डॉक्टर अपने इंसुलिन दे दिया, फिर वजह टेंशन ले ली, टेंशन की वजह घबराहट होकर सिर में भारी बन हो गई। फिर भी बाद में पूरे दिन और रात से दिखा कार, फिर सुबह सुबह ठीक हो जो चक्कर आए, फिर बाद में बाई कंडीशन वापस होगी। फिर मुश्किल से 2 घंटा की नींद ली थी, तो मैंने 2:30 बजे सोई, 4:30 बजे उठी, 4:30 बजे उठी, थोड़ा थोड़ा दर्द करो बाकी ठीक हो रहे हो, फिर चाय वगैरह पी तो ठीक हो गया। अब सुबह उठी रात ने मैं नींद खुनाई 3 बजे तक, सुबह उठी मैं 8:15 बजे, 3 बजे की सोई थी, 3 बजे तक तो आई को नहीं नींद, फिर बाद में मन बेरो पता ही नहीं था। फिर अब 8:30 बजे उठी, उठ के इंसुलिन लियो 8:30 बजे, कुछ खा पी के फिर नाश्ता पानी करियो, और 11 बजे फिर वही सिचुएशन होगी वापस, चक्कर आना, कम कभी छूटने, पसीना छूटना, फिर बाद में सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर कन गया, फिर वापस आए, अब 2 बजे फिर इंसुलिन ले लो। भगवान बीमारी तो वास्तव में कि नहीं लगावे, बीमारी लगावे ने भी ऊँच तो उठा ले चपते से, कोई तो होगा ना एक बार सब रो रहा रह जा, बाकी जो टाइम निकले जो भूल जाए इंसान ने, जो दुखी करे ने अब कभी तो यहाँ लगे उल्टी होगी, कभी यहाँ लगे सर में भूल भयंकर दर्द हो रही है, गद्दी लग गई, भूख लग गई। रात में मैं 3 बजे तक तो ना, शाम को जैसे 8:30 बजे मैं खाना खा लूँ, फिर तो बाद में मैं 10 बजे एक गिलास दूध पी, तो फिर मैं इंसुलिन ले लियो, 9:30 बजे ले लियो इंसुलिन, फिर मैंने भूख लग गई, तो फिर मैं एक गिलास दूध फिर ले लियो, क्योंकि दूध तो मैं रख रही हूँ अच्छा, तो फिर दूध गर्म करके फिर ले लियो एक गिलास, फिर मैंने फिर भूख लग गई। मतलब 3 बजे तक है ना मैं इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, फिर मैं पपी तो काट के खा लियो, फिर भूख कौन मिटी, फिर थोड़ी देर कंट्रोल रखी, फिर काकड़ी खीरा खा लिया, फिर भूख कौन मिटी, फिर नमकीन टमाटर वगैरह डाल के नमकीन और उनके बोल जाते हैं घूंगड़ा मखाना वह खाया, फिर भी दिल ने संतुष्टि कौन मिली कि मैं भूख मिट गई कि मेरी मैं धाप की गए हैं। फिर मैं सो की मैं बड़े तो कि सर फटक सोचे होता सचिन परेशान हो गया। परमजीत जी कर रहे हैं पूजा, टाइम हो रही है सुबह को 9:18, सुबह की पूजा परमजीत जी कर रहे हैं, शाम को की करूँ मैं। और मैं सब्जी बना दी है, आटो लगा दिए है, छाछ राबड़ी भी मिला दी है, अब परमजीत जी बनाएंगे जूस। इतने से दूध कौन बना परमजीत जी जूस केला को, तो आपके लिए मैं मेरे बना, मैं मेरी खा ली दही खिचड़ी। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सारा ने, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो फिर मेरे फेस की कंडीशन देखता होगा किसी ब्लॉग में, आज ना आंखें देखो क्या हो रही मेरी, ये डायरेक्ट कम पता चल रहा है, यही तो कम पता चल रहा है पर मेरे देखो मतलब वीडियो में। और मैं भी हो गई हूँ रेडी सुबह सुबह, और
ब्रह्मजी जी भी रेडी हो रहे हैं। ब्रह्मजी जी आपको जूस बना के पिया, आज मैं जूस कौन बना के पिया, ब्रह्मजी जी ने खुद बना के पिया, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के लिए निकलना है। और आज हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, आज हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? दवाई जाना मांगे, मम्मी जी की दवाइयाँ ख़त्म होगी और मन्ने ले जा रहे हैं साथ में, क्योंकि मेरे सुबह सुबह दो दिन हो गया प्रॉब्लम हो जावे तो फिर पीछे कौन संभाल है। ये ले बोले इन्हें अच्छा कि तुम साथ में ले जा लो, क्योंकि दिक्कत हो मैंने भी बाद में कि अगर ना मैं कोई फ़ोन कर पाऊँ, ना कोई मतलब पानी पी सकूँ, ना ही मैं कुछ खा पी सकूँ, तो फिर संभाला कौन पीछूँ, ब्रह्म जी जाऊँ एकदम तो टपक जाऊँ। तो बोले अगर यूँ अच्छा कि मैं तुम सागे ले जा लूँ, बाकी मेरी कंडीशन कौन सागे जाने वाले, इस साइड को फेस पर ज़्यादा मैंने लग रही सूझना। अब जो भी है ओण दो, आप ही ठीक हो जाओ। रमजी जी आप ध्यान कौन करिए, मेरे एक साइड में सूजन ज्यादा है फेस पर। नाश्ता कर लेता मैं, नाश्ता करियो मेरे तो एक एप्पल डाल लेंगे सागे बस, और कुछ ही कौन को। और आज थाने बताऊंगी मैं इंसुलिन रिप्रोसेस के कुछ रहे मेरे साथ में, क्या लगाना पड़ा मैंने तो मैं थाने बता दूंगी। और मैं सुबह को इंजेक्शन ले लियो, अब जा रही हूँ, नाश्ता भी कर लियो, चलो तब जाओ। बाकी आज मैं मेरे लिए हॉस्पिटल कौन जा रही, तीन दिन हो गया मेरे लिए जाता, आज मम्मी जी की दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, बीपी की दवाई चल रहे तो मैं भेजनी है, ख़त्म हो गई मेरी दवाई तो फिर लेने जा रहे हैं। धूप देखो तो लाग रही हूँ, बारिश का मौसम है कि धूप देखो कितनी भयंकर है, लाग रही हूँ बारिश का मौसम है कि मैं बैठी हूँ बाहर है, क्योंकि अंदर मन घुटन से हो लगी, समझे जा रहे हैं अंदर दवाई लाने, नंबर तो आ गया वहाँ को, पर टाइम क्या लगे तो आज अभी तक तो ठीक हूँ, आ गए को दिन क्या निकलो तो नहीं है, दिक्कत होनी है बाबा मेरी, 11 बजे पहले पहले हो जाए, 11 बजे लगे आज तो कौन नहीं हो रही, मतलब एक घंटे सो लागे लागे, 3 दिन हो गया ना डेली कंटिन्यू होता तो ऑटोमेटिक दिमाग में चीज़ बैठ रही, पता कौन कर दिक्कत हो जाए, कर दिक्कत हो जाए, आज मन ठीक फील हो रहा है। ग्राउंड नाश्ता पानी करके आई, सेव साथ में लेके आई तो एक सेव खा ली, ब्रह्मजी जी बोले दोबारा बैठ जाए और सेव खा ले, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में खा फोन उसका ढंग से पेशेंट आता जाता रहा, इंतजार कर रही हूँ मैं, सोचो 2-4 मिनट के लिए अंदर जाऊँ, और अंदर मतलब हॉस्पिटल में अजीब सी मतलब है, अजीब ही स्मेल है हॉस्पिटल की, तो घुटन से होने लग गया, और मेरे हाथों मतलब कड़क हो रहे हैं हाथ पूछे तो, भाई मैं थानिया बोल रही कि भाई मैं जो भी इंसुलिन ले रही हूँ मैं थाना दिखाऊंगी कि या कि कुछ लेऊँ मैं, और कौन सो इंजेक्शन की टाइम लेऊँ, कितनी डोज लेनी पड़े, बात चीज़ भी बताती हूँ, क्योंकि थाने जी का इंजेक्शन नहीं देख रहा है, इंसुलिन नहीं, सॉरी इंजेक्शन नहीं, जो इंसुलिन नहीं देख रहा है, पानी अलग है कि इंसुलिन हो क्या ले जाऊँ, इंजेक्शन क्या ले जाऊँ, पहले मन भी बहुत डर लगे बहुत ज़्यादा, और अब धीरे धीरे 3-4 दिन में हैबिट सी होगी है, हैबिट सी तो की होगी है, मेरे ही जी जाना है, भगवान मत है प्रेरित में भगवान को इन्हें नहीं लेना पड़ा, क्योंकि बस की बात को नहीं हुए, मजबूरी है जीने के लिए यह चीज़ करनी पड़ रही है, बाकी तो एक तो देखो ए इंजेक्शन है ये वाला, ठीक है हमें नीडल हुआ है, मतलब जो सुई हुआ है वो एकदम पतली सी और बारीक सी, पर चाहे कितनी बारीक हो सुई तो सुई रहेगी, और दूसरी बात सुई है वह है, अब थाना अब सब यहाँ बोलेगा दर्द को नहीं हुआ, दर्द को नहीं हुआ, इंसुलिन नहीं लिया इतना डर लगे, हाँ अब आज मानूँ मैं कि दर्द को नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत तो हुआ, अब कांटे जी तो दर्द हुएगी तो कांटे जी तो हुए थाने या पत्तू है को थारा वो कांटो चुभनो है तो क्यों पहले तो डर लगा कौन है, हाँ अचानक अपने कांटो चुभ जाओ कि तो कितनी जोर की लाग जाओ पता कौन चल है, तो बाद में दर्द हो सहन कर लेकिन ऑलरेडी यहाँ पता हुआ कि ले अब तेरे कांटो आने वाला चुभ है
तो तू आप डरू पहली बन जाओ तो बहुत चीज हो रही है मेरे सागे तो आ सुई बहुत पतली है बहुत बारीक सी सुई जो कैमरे में तो दिखेगी भी कोनी फिर भी चलो मैं कोशिश करूँ थानू दिखाने की। हाँ देखो बिल्कुल बाल सी सुई है लेकिन तो वो इंजेक्शन है ना वो लेना पड़ा मैंने तीन बार इंजेक्शन इस सुई इस सीरेंज तीन बार लेना पड़ा कब कब जैसे सुबह उठी उठने के बाद में भाई मैं एक दिन बिल्कुल खाली पेट ले ली तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ डॉक्टर ने बिल्कुल खाली पेट खून लेना तो अब मैं सुबह एक चम्मच शाम को पीऊँ एक चम्मच मेथी एक चम्मच मूँग एक चम्मच चना एक अखरोट और पाँच बादाम ऐसी चीज़ मैं सुबह उठता ही खाली पेट खा लूँ खाने के 10 या 15 मिनट बाद वो इंसुलिन ले इनकी डोज पहली तो ही 14 यूनिट फिर बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम होने की वजह डोज कर दी कि 8 तो एक 8 यूनिट ले सुबह फिर बाद में ठीक है एक बंडो छूट गया हो अब सुबह आँख खोलने भी टाइम भी अलग है इंजेक्शन लेना है इंजेक्शन लेना है फिर ही एक बंडो छुटाऊँ 8 बजे और ले तो वो 2 बजना रही और लग गए 2 बजे फिर लेना है 2 बजे फिर इंजेक्शन लेना है तो बस दिमाग में बैठ के मेरे नसा फाट रही मेरे बुद्धि के पीछे नसा गर्दन में दर्द हुआ बहुत तेज जो टेंशन की वजह हो गया मेरा हमेशा तो 3-4 दिन हो गया दर्द होता रहा फिर मैं लूँ आई इंजेक्शन हो दोपहर में 2 बजे फिर शाम को 8 बजे तो ऐ 2 इंजेक्शन हो गया इन सुबह में 8 यूनिट दोपहर में 6 यूनिट और शाम को 6 यूनिट जो कि पहले मेरी डबल डोज ही तो कल में डॉक्टर कर गई तो मैं मतलब आधी आधी कर दी 6-6 यूनिट कर दी 14 की जगह 8 कर दी और 12 की जगह 6 कर दी 10 की जगह 6 कर दी ठीक है तो इमें तो और देना पड़े और इमें दवाई डालनी पड़े जहाँ इंजेक्शन डॉक्टर देवे ना भैया सेम प्रोसेस पाई रहा है दवाई भी दिखा देना आ दवाई है यूँ खुद ने यह मिक्स करके और खुद ने इंजेक्शन भरना पड़े खुद ने लगाना पड़े लगाना पड़े भाभी मैं दिखा बता दूँगी बता दूँ कौन सी एक है वो यूँ मैंने 100 काम लगे हैं क्या डॉक्टर खुद है ना इनके अंदर देखो आ दवाई है आ फिट करके दी है अलग से मतलब आवे तो इन जब आ ख़त्म हो जाएगी तो इन निकाल देना ठीक है खत्म कर दोगी मैं खोलने की और है बदबू भी आ रही है इनकी है अठे ना वो पेन है एक तरीका इनमें यूनिट लिखेड़ी है तो जितनी भी यूनिट लेनी है एक पेन ने घुमाता जाओ और यूनिट पर जट है जो यूनिट आ जाए पेपर क्लिक कर दो फिर वो पेट का मैंने लगा लो पीछे दबा दो तो यूनिट जितनी यूनिट हो वो ऑटोमेटिक इनके अंदर चली जाए तो वो काम शुरू रहे कि एक तो इन बार बार दवाई को डालनी पड़े दूसरी बात इनको दर्द भी कम हुआ और डर भी कम लगे इनको दर्द कम हुआ और इनको दर्द हो ज़्यादा और वो लगाना पड़े सिर्फ पेट की जो ना भी है ना अपनी एक दो आंगल दोनों साइड छोड़ के फिर इतने एरिया में लगाना पड़े और अब मैंने लगाना है फिलहाल टाइम की हो रही है 2 बज के रही है 1:53 हो गया मैंने फिक्स 2 बजे एक इंजेक्शन लेना है अब खुद लेना तो बड़ा मुश्किल काम हो लेकिन रोज़ रोज़ कौन लगावे तो एक दिन तो तुम रोज़ कौन लगवा लियो 2 दिन वेस्ट कौन लगवाए अब मैं खुद ही ले लगी तो ये बात है मैं एक तो निकाल ही लूँ कि लगाना मैं ले लूँ और एक चीज़ और है कि आने ना मतलब गठे भी जावे ना तो बर्फ़ के अंदर रख के लेके जाना पड़े फ्रिज में रखो एनी टाइम और गठे जावे तो वो एक लिक्विड सो दिए है जो फ्रीजर में रखते हो ताकि इनकी बर्फ़ सी जम जाए और ज़्यादा टाइम तक मतलब ठंडो रहे 5 से 6 घंटा ठंडो रखते हुए तो गठे जाना हुआ तो इन लिक्विड ने फ्रीजर में रख के फिर बर्फ़ जमा लें क्योंकि तो बाद में इन लेके 5-6 घंटा सफर कर सकते तो आ ही इंसुलिन की प्रोसेस मेरी जो कि चल रही है कितना दिन चलेगी डॉक्टर तो मनाई बोले ज़िंदगी भर चलेगी अब हो सके ज़िंदगी भर भाई 4 नहीं लेके 2 तो लेना पड़ेगा और ये फिर तो किस्मत काम कर जाए तो एक की लेना पड़ जाए एक को फिर टेबलेट पर दिया जाए पर टेबलेट की फिलहाल तो डॉक्टर भाई साहब मनाई करे कि टेबलेट पर कोई आ सके इंसुलिन ही लेना पड़ेगा ऐसे होता अब तो घर समझ में आ गई हो कि मैं झूठी बोल रही हूँ भी दिन मैं बहुत चुवा रहे हो क्योंकि कोई भी इंसान आज चीज़ सोचे ना कि टाइम रोनो आ गया अपना आप अब तो 2-3 दिन में मैं पक्की ये चीज़ में
और ये भी समझ में आ गई गुरुओं की फायदे खुद को दिमाग खराब कर लो घर का को दिमाग खराब कर लो। तो अब गुस्सा तो मैंने टेबलेट हूँ इतना आता हो तो इंसुलिन होता है पता है इतना आता हो कोई इलाज कर नहीं देता। अच्छा इसमें स्वीकार कर ली तो लगाना पड़ेगा कितना दिन लगाना पड़ेगा बाबू भगवान करिए। चलो ठीक है बाय। अब 2 बजे